भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब अर्जुन उनके शरीर को आग दे रहे होते हैं तो उनका शरीर तो जल जाता है किंतु उनका हृदय आग नहीं पकड़ता। उसके बाद अर्जुन विधि पूर्वक श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर रखकर द्वारका समुद्र में बहा देते हैं। वह समुद्र के बहाव से उड़ीसा तट पर जा पहुँचता है। उड़ीसा के तट पर बिष्प बासु को श्री कृष्ण का हृदय मिलता है। वह एक चमकीले पदार्थ के जैसा था जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। वह इसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते थे। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न जो कि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु उनके सपने में आकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वह एक लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। तभी राजा वहाँ जाकर बिष्प बासु की सहायता से उस लट्ठे को राज्य में ले आते हैं और इसी लट्ठे से भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलरामा की मूर्ति बनी है। उस ब्रह्म पदार्थ को भी इसी मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। हर 10 से 12 साल बाद जब भी पवित्र नीम की लट्ठे से मूर्ति बनाई जाती है तो इस दिल को संभाल कर उस मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इस कलयुग में भी जीते जागते भगवान की मूर्ति है जगन्नाथ में।